मैं भूपेंद्र बघेल नमस्कार, जय जोहार, राम राम, स्वागत है आप जम्मू जन के हमारे खास कार्यक्रम में। आज के दिन छत्तीसगढ़ में नवा सरकार बने रही से भूपेश बघेल की सरकार 17 दिसंबर के मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश बघेल शपथ ले रही हैं और आज एक बच्चर पूरा हो गए है। इस समय हमन बात करे पर उखरती राय हैं। मुख्यमंत्री जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है और बधाई है आप लग की एक साल शानदार आप पूरा करे हो। यदि बात करें एक साल के सफर के, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के नारा के साथ आप शपथ ले रहे हो और बड़ा उत्साह के वातावरण रही शपथ ग्रहण कार्यक्रम में रहे हो और बड़ा उम्मीद के साथ भारी भरकम बहुमत से आप आए रहे हो, एक सीट और बढ़ गए। अभी एक साल के सफर कैसे लगा थे अभी आप ला? देखो, एक साल में जिन सबसे बड़े काम हुए है तेना हर वर्ग के विश्वास जीते के काम। ये सरकार ऊपर सब जन ला भरोसा है, चाहे वो किसान हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे वह नौजवान हो, वो सब वर्ग के बड़ा भरोसा है सरकार ऊपर। एक साल में हम इस जीते में कामयाब हुए, सबके विश्वास जीते में। खास तौर पे यदि मैं कहूँ तो जैसे आप किसान मन पर काफी कुछ करे हो और मैं देखे कि भयंकर सबके सब 2500 रुपए में जन धान आप खरीदे पहला साल, सब सोयाबीन वाले बन सोयाबीन बंद कर दिन, गन्ना वाले बन गन्ना बंद कर दिन, खूब धान बोए हैं, भरपूर उत्पादन भी हो है। किसान मन पर तो निश्चित तौर पे काफी करे, छत्तीसगढ़ी अस्मिता पर खास तौर पे हमन छत्तीसगढ़िया मन देखते हैं तो ऐसे लगते कि छत्तीसगढ़िया राजा है और छत्तीसगढ़ी संस्कृति के जन बहुत समय से मांग रही से प्रॉपर संरक्षण नहीं होते या नदाब जाते टाइप के ओला पुनर्जीवित करे कोशिश करे हो, कौन चीज में सबसे ज्यादा आपको संतुष्टि मिलते है? देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि पैसा कोनो कतको कमा ले, लेकिन परिवार के साथ सुकून के दिन दो पल नहीं बिता पैसा तो पैसा कोनो काम के नहीं है। तो लेकिन आजकल बिना पैसा के कोई काम हो नहीं सकता है, तो दोनों चीज संतुलन होना चाहिए। एक तरफ लोगों के जीवन यापन पर पर्याप्त धन भी हो, दूसरे तरफ रोजगार मिले, और तीसरा ये है कि अपन परिवार के साथ सुकून के चार पल बिताए, ये सबसे बड़ी चीज है। और उकर बर जरूरी है कि हम अपन तीज है, त्योहार है, हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, जेकर हजारों साल से हमारे छत्तीसगढ़ी समाज छत्तीसगढ़ के लोगों में जियत है, तो ओला पुनर्जीवित करे काम, इला फिर से हम एक साथ मिल के मनान हमार गांव के परंपरा, हमार शहर मन के परंपरा, सब छोटे बड़े सब मिल के जिन हम त्योहार मनात रहे वो त्योहार ला शुरू करें। ऐसा जब हरेली मनाए शुरू करें, गेड़ी चढ़े, तो ऐसे लगी कि जैसे दिवाली से बढ़ के हो गए हमारे त्योहार, जबकि सबसे बड़े त्योहार हमार दिवाली है, लेकिन हरेली एक बात की जबरदस्ती से तीजा हमारे बहुत बढ़िया सुंदर ढंग से मनाए, गोवर्धन पूजा बहुत सुंदर हुई से। तो ये सब त्योहार मना हमार परंपरा से जुड़े, हमार संस्कृति है, अभी हमार पहचान है। जैसे हम पुन्नी मेला शुरू करें, पहले ये मांग इला कुंभ मेला कर दे रही से कुंभ कल्प, तो हमार नामे बदल दे रही से, हमार पहचान है सिरा की रही से, जबकि राजिम पुन्नी मेला हमन बचपन से सुना आता था, पता नहीं कब शुरू हुए थे, कोई जानकारी नहीं, लेकिन वो हमार संस्कृति का हिस्सा है। मड़ई मेला वो बदले की कोशिश हुई, तो हमारे पहचान छीने का काम हुई, तो हम अपन पहचान ला काबक हो और पहचान के साथ साथ आगे बढ़ा। क्या लगते आने वाला दिन में भी ये सब जन शुरुआत आप करे हो बने रही आने वाला दिन में या और कुछ नया प्लान है आपके? देखो, जैन हमर संस्कृति है तेलत हम जैसे हम कौशल्या कराम ऐसा शुरू करें, काबर शुरू करें, काबर के हमर हर काम में राम जुड़े हुए हैं। आप राम रामी समाज ले देखो, पूरा शरीर में राम राम गुरु आए। अभी
धान लुए मिंजे ही चला थे पहले, अब तो बोरा में भर देते, लेकिन पहले काठा में नापत रहे, तो काठा में पहले राम कहाँ एक नहीं कहते रहे, राम कहाँ गांव मन में राम कोठी की परंपरा, आज भी बहुत गांव में राम कोठी है। हमर हमन भाचल प्रणाम कथन काबर कि कौशल्य मातम के यहाँ, तो भाचा में राम ल देखथन, हमार संस्कृति में जुड़े हुए है, रचे बसे कोनो मिलते तेला राम राम, विदा होते तब राम राम, और कहीं होते तो मैं तो राम नहीं जाना होगा, मैं राम नहीं कहे हूं, मतलब कोई भी शब्द नहीं बोले होते, कबर जबरदस्ती लड़ाई करे तो मैं तो राम नहीं बोले। तो हर चीज में हमारे हमारे जीवन शैली में राम है, तो हम कौशल्या का राम शुरू करें, वो राम वन गमन पथ के भी हम शुरुआत कर रहे थे, बहुत जल्दी कौशल्या जैन मंदिर है तेकर परिसर के हमन और विस्तार बर वो विकास बर हमन कार्यक्रम लागू करबो। नरवा गुरुवा घुरवा बारी ये चार चिन्हारी छत्तीसगढ़ के ये कॉन्सेप्ट चुनाव से पहले भी काफी आप प्रचारित कर रहे हो, उसके बाद शपथ लेते ही ये दिशा में तेजी से काम भी कर रहे हो, साल भर की प्रगति से कतेक संतुष्ट हो और का करना है हम आगे? इसे है कि ये है तो हर गांव समस्या है, और हर गांव में आप लोग गौठान बनाना है, हर गांव नरवा, ऐसे कोई गांव नहीं है जिन नरवा ना हो, बहुत कम हो जिन गांव नरवा ना हो, लेकिन हर गांव नरवा है, तो नरवा ल हम नरवा का पानी संचित करना है, तो लग सब करे लगी, इस साल हमने 1028 जिन नरवा है तेल हमन आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनका DPR बन गए, अभी धान लुई वगैरह सिराही पानी की स्तर थोड़ा से नीचे आई, तैसे हम नरवा मन के काम शुरू हो जाए हमारा, तो वाटर रिचार्जिंग काम हम करबो, दूसरा गौठान के काम इस साल करीब 1800-1900 ले रहे हैं, वो करीब 1500-1600 वो संचालित है, इस साल 3000 हम गौठान लेना चाहते हैं, ताकि आने वाला समय पर ओकर दबाव कमती हो तो ज्यादा से ज्यादा गौठान के लाभ मिल सके। अब ये देख के कर लाभ ले देख के सब गांव वाला मन कहा था हमरो यहाँ शुरू करो हमरो यहाँ शुरू करो, तो एक दबाव भी सरकार पे और लोगों के सहयोग, लोगों ने ये समझ आ गए ये सरकारी योजना नो है, सरकार जरूर हमें बना दे थे, जमीन हमारे गौठान पर सुरक्षित कर रहे थे, चारा गाह पर चारा उगाए पर सुरक्षित कर रहे थे, ओकर घेरा के ओकर ट्रेंचिंग के ओकर पानी के छैया के पेड़ लगाए के काम सब करत है, लेकिन इला संचालित हमला करना है, ये बात के अनुभव हमारे गांव वाला मल्ला हो गया, ये सबसे बड़े बात है, जिन दिन गांव वाला में सोच ली कि हमला करना है तो फिर वो कार्यक्रम असफल हो नहीं सका है। ग्रामीण विकास पर तो काफी लंबा सोच दिखते आपके, शहरी विकास पर लगते थोड़ा तुलनात्मक रूप से पीछे हो आप पहला साल? बिल्कुल नहीं, ये पैकेज जैसे हम 400 यूनिट तक बिजली बिल आता करें तो फायदा सब लोग मिले, छोटे बड़े गांव शहर सब लोग मिले, 35 किलो चावल के लाभ शहर के वाला भी मिले गांव वाला भी मिले, बल्कि शहर में जिन करे हैं जेकर कर जेन मन शासकीय भूमि में जिन काबिज है वो पट्टा देख काम हम करे, अभी सब सर्वे चला थे, कतको जगह सर्वे कम्प्लीट हो गए, कतको जगह पट्टा भी बढ़ गए, तो ये काम हम शहर के आदमी मतलब करे काम करें, व्यवसायी मन में गोमास्ता जिन कानून बने रही से हमें काफी उमला रिलीफ मिली से, फिर जिन उद्योग लगे है और 2 हेक्टेयर तक के जेकर कर लीज मिले रही जमीन के वो फ्री होल्ड कर दें, तो बहुत अगर काम है जिन व्यवसायी मन पर शहर के आदमी मन पर करा था, उकर मजबूती पर सड़क पानी बिजली के तो उपलब्धता कराते थे, लेकिन उकर अलावा उकर जीवन में का परिवर्तन आ सकते बोल कैसे हम सुदृढ़ कर सकते कैसे मजबूती दे सकते हैं व्यापार ले व्यवसाय कैसे बढ़ा सकते हैं, अभी जैसे एक फैसला हम ले कि जेम ज्वेलरी पार्क हिंदुस्तान के सबसे बड़े बनाबो हम 10 लाख वर्ग फीट में बनाबो और 10 मंजिला हुई, और ओकरे मन से जिन जेम ज्वेलरी में जिन काम कर रहे थे ओकरे मन से हमने सुझाव लेके ओकर डिजाइन कैसे बनना चाहिए वो सब ओकर मन से सहयोग से करा था, तो ये सूरत कलकत्ता और मुंबई के बाद ये सबसे बड़े ये हुई हमारे छत्तीसगढ़ में, तो शहर पर भी हमें लगातार सोचा था करबो। विपक्ष के लगातार आरोप रहते कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रुक गए, आधारभूत संरचना के काम एक उठ होच नहीं साल भर में, ये आरोप लगते हैं। ये मन एक चीज बताए केंद्र सरकार तो पिछले भी वो कर रही थी और अभी भी वो करे मन से, ये जत का NHI की जत का रोड है तेवन बंद काबर पड़े, ये मन सवाल तो ओला करना चाहिए, यहाँ से धमतरी वाला रोड बंद है
धमतरी से बस्तर वाला रोड बंद है, रायगढ़ से पत्थलगांव वाला रोड बंद है, कोरबा वाला रोड बंद है, चांपा जहांगीर वाला रोड बंद है, तो सब कोनो रोड में काम चलते च नहीं है, काबर बंद है? ये तो भारत सरकार से पूछना चाहिए, बड़े काम तो ओमन ले रखे। यहाँ तक कि सड़क मन के संधारण काम इस साल पूरा हो, पानी में बह गिरी से सब संधारण काम हो गए, इस साल आप बजट में पूरा सड़क के काम हम ले पो, सड़क है, सिंचाई की योजना मन ले पो, काबर की सिंचाई के रकबा बहुत कम है हमारे छत्तीसगढ़ ले लगी। घोषणा पत्र में बहुत अकन घोषणा हो रही से, काफी बड़े बड़े घोषणा तो पूरा भी हो गए है, काका अभी बड़े घोषणा है जन आने वाला साल में पूरा करी हो? हमन में 36 जन घोषणा रही से 22 ठाक कर रहे हैं, 14 ठाको बाँचे हो, समीक्षा कर लेते हैं कौन कौन से है करना है, तो वो मतलब कर जाओ। तो हमारे 5 साल के बस सरकार जनता जनादेश दे है, और एक ही साल में हम 22 ठाक कर दे हैं, 22 घोषणा पूरा कर दे हैं और कंटिन्यू में रखे हैं। जैसे हम गौठान बनाना है, बाड़ी बनाना है, नरवा काम है, एक ही साल में नहीं हो जाए, वो तो पूरा 5 साल सतत चला था काम। धान खरीदी हुई एक ही साल के नो है, ऋण माफी जरूर 1 साल के ऋण से 1 साल हम कर दें। अब ये धान खरीदी है तो लगातार हम कर, तेंदू पत्ता 4,000 में खरीदे के वो लगातार हम करना है, लघु अनुपज जिन 7 ठक खरीदते थे अब 15 ठक खरीदा था, तो आजीविका सेंटर हम लगातार वो बढ़ा जा था। हमारे अब जिन छोटे छोटे जिन उद्योग है तेला जेकर से लोगों के जिन उपज है या संग्रह संग्रह करके लाते उकर वैल्यूएशन होना है, तो हम 40 ब्लॉक में 111 सेंटर हम खोल रहे हैं, उकर लाभ सीधा हितग्राही मतलब मिला थे। धान खरीदी की चर्चा करें, अभी आप साल भर तो बहुत बढ़िया माहौल रही, जैसे मैं शुरू में भी कहें कि खेती के रकबा धान के बढ़ गया, सब हो गया, उत्पादन भी बम्फर हो है। अभी अभी किसान कुछ कंफ्यूज हैं, कई जगह से असंतोष के खबर भी है, काबर ऐसा दिक्कत का हुआ थे कि किसान जिन है, हालांकि श्योर है कि 2500 मिली लेकिन अभी दिक्कत नहीं है, ओमा कई ठरोड़ा आवत है उखर। देखिए एक चीज है कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ी ज्यादा छल्ला कर रही है, वो अपन गलती छुपाए बर केंद्र सरकार से मांग करे छोड़ दी कि यू साल ते शिथिल कर नियम ल। अब केंद्र सरकार हमारे धमकावत है कि ते यहाँ कहो बोनस देश तो तोर यहाँ चावल नहीं खरीदन, तो चावल नहीं करबे तो कैसे सरोधन हमन, हम तो चावल धान खरीदन तेन भारत से सरकार पर खरीदन ना, हमारे राज्य में जितका जरूरत है चावल के उतकर रखता उसके बाद बचा चावल ला भारत सरकार ले देता, तो वो कहा था नहीं लाऊं। तो ये प्रकार के जन है, तो जब 2 साल तक छूट दे रहे तो 1 साल काबर नहीं देता, तो वो बात से ध्यान हटाए पर वो मन आंदोलन कर शुरू करे, और किसान के कोई सहयोग नहीं रहे, ये मन हर कोई 10-15 जन खड़ा हो जाए सोसाइटी में, धान धान खरीदी चलते छे। ये दूसरा चीज ये है कि अब 2500 रुपये में खरीदा थे, समर्थन मूल्य में भी खरीदी नहीं होते, दूसरा राज्य मन पड़ोसी राज्य मन में उसको नहीं मिला थे, वो उस कम में बिका थे, तो दूसरे राज्य से सब व्यापारी मन कोचिया मन यहाँ लावा थे, तो नुकसान तो राज्य को हुई, तो वोला तो सहित करना है। अभी जत का धान खरीदी होने पिछले साल हम खरीदे रहे उसका धान अभी तक खरीदी हो चुके है और भुगतान भी हो गए, पेमेंट कुरुकत नहीं, लेकिन जिन जेमन दलाली करत रही से, जेमन कुचियागिरी करत रही से, जेमन उन पैसा कमात रही से, जिन किसान ला भी लूटत रही से, सरकार ला भी चूना लगात रही से, वो मतलब बहुत परेशान थे करते हल्ला ज्यादा करत। दूठा मामला में आपके सरकार ने काफी घेरत है, अभी एक तो शराबबंदी के मामला है, एक बेरोजगार मन जिन भत्ता देवो कह रहे हो, ये दो मामला लेके खास तौर पर अभी एक तो उखर वीडियो भी आ रही से ठगा के छत्तीसगढ़ करके। तो भारतीय जनता पार्टी तो कह रही से हम सब बेरोजगारी भत्ता देवो, एक झन लदीस का गाय बांट वो के बांटीस का, आदिवासी मन हर घर से एक झन सरकारी नौकरी देवो के दीस का, हर साल बोनस देवो के दीस का, तो हमने तो 1 साल हो गए, 15 साल में उमन नहीं कर सके, तो हमने 1 साल में सब लग कर दा, ये जते काम है तेल हमने 5 साल में करना है, हम लगातार रोजगार देख काम कर रहे थे। 15,000 शिक्षक मन की भर्ती, 98 के बाद पहली बार भर्ती होती, एक पहली कहाँ शिक्षक मन की भर्ती होती थी, अभी 3,000 पुलिस वाले मन की भर्ती हुई, डॉक्टरों मन की भर्ती हुई,
बस्तर में सरगुजा में डॉक्टर नहीं मिला त्री से, आप सबो जगह जाके देख ले डॉक्टर हबे और व्यवस्था करें। बस्तर में सरगुजा में शिक्षक नहीं रही स्कूल में, अब वहाँ नहीं है शिक्षक तो शिक्षा मित्र तरह रोजगार बार अब तृतीय चतुर्थ श्रेणी पर कनिष्ठ चयन बोर्ड के गठन करें बस्तर में सरगुजा में बिलासपुर में, ओकर से स्थानीय मतलब नौकरी मिली रोजगार के पूरा हम कर गौठान योजना है तेनों में रोजगार मिली, जिन आजीविका सेंटर है ओमन में रोजगार मिली, सरकारी नौकरी पर रोजगार है का। हमार कोशिश है कि जिन मन नौकरी नहीं करा थे तेनों मतलब तृतीय चतुर्थ श्रेणी के बराबर ओमन लग ओमन कमाल है। अभी हमार जैसे बंचरोदा में हमारे बहनी मन काम करते एक एक जनों पाँच पाँच छः छः रुपये रोज कमावते, कवर गोबर के दिया बनाते, गोबर कंपोस्ट खाद बनाते, गोबर के तुर वर्मी खाद बनाते, ओकर गमला बनाते गोबर और माटी मिला के खूब पैसा कमाते। तो इतने ढंग से जैसे अब हम जबर्रा में सामुदायिक दवा देन वहाँ वहाँ कलेक्टर और इको टूरिज्म डेवलप करी उन्होंने 8 लाख रुपये ज़्यादा कमा दी, सब विदेशी मना आते वहाँ वहाँ इको टूरिज्म में। तो ऐसे ढंग से सरगुजा में तरफ चल दे प्रतापपुर में चल दे जिन खदान में पानी भरे हैं तो बढ़िया वो बोटिंग कराते हैं महिला समूह वाले मन उनमें पैसा कमाते, वो मछली पालन होते। तो ऐसे अलग अलग अब जैसे पहली वहाँ जमा फूल की बड़ा प्रसिद्धि है 60-70 रुपये में बेचते थे, अब वो एग्रीमेंट करा दें बड़े कंपनी वाला में से पैकेजिंग कर दी एक एक किलो पैकेज पैकेट बना दी, अब 120 रुपये में खरीद बेचा थे 50 रुपये उपहार मिल गए। तो ऐसे ढंग से हम वैल्यू एडिशन कर रहे थे कोदो कुटकी सावा सब ही हम कत को खरीदा थे, काला चावल बिका थे भूरा चावल बिका थे यहाँ के कोसा। अभी हम दिल्ली में जाके कर प्रदर्शन कराएं हमारे छत्तीसगढ़ भवन में होकर उनकी स्टॉल लगा दें खूब कमा थे लोग प्रचार प्रसार। सरकार जैन मन मेहनत कर रहे थे सरकार और प्रोत्साहित करे काम कर रहा था। एक चीज़ और जानना चाहता हूँ आपसे कि पिछले सरकार के भ्रष्टाचार के जैन हो रही से बहुत अकन काम ओखर आप जांच कराए शुरू करे ओखर अब का हुआ थे ओला लेके अभी कुछ चर्चा नहीं हुआ, शुरू शुरू में बहुत तेज SIT बनी है ना, जितना पुराना सरकार के चाहे स्काई वॉक के मामला हो एक्सप्रेस वे के हो अंतागढ़ टेप कांड हो झीरम घाटी हत्याकांड हो सब जैन जनता के मन में एक बड़े सवाल रही जैन पिछले सरकार में नहीं होते रही से आते साथ आप ओमा ध्यान देल शुरू करते अभी कुछ उखर रफ्तार थमे टाइप के दिखा रहे। झीरम घाटी में लगातार हम कोशिश कर रहे थे, अंतागढ़ में जे मन आरोपी रही से तो मन वाइस सैंपल दे दिस, अब जे मन औ हावे तो हमल वाइस सैंपल अपन देना चाहिए काबर नहीं देवा थे। दूसरा पहली बार ऐसे होते कि जांच नहीं होते कर PIL लगा है कौशिक जी और उसेंडी जी भाजपा के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष कि नाम की जांच नहीं होना चाहिए कर PIL में तो पहली बार देखा था, ये मन रोके कोशिश कर रहा था कावर के घोटाला में सब लिप्त है कर सब संगवारी में। जीरम ये पाए कि भारत सरकार अनुमति हमले नहीं देते कि दाल में कुछ न कुछ काला है, लेकिन बहुत सारे अब फाइल है जेकर परत अभी अभी केवल धूल भर चढ़ रहा है अभी बहुत अकन परत खुलना बाकी है। एक सवाल है युवा और महिला ये दोनों एक समाज के बड़े वर्ग है आप मन के विजन भी थी पहली एक साल में इखर वर का करे हो इखर बारे में जानना चाहते हैं युवा मन बर महिला मन बर। देख जैसे महिला मन बर जितका भी SHG ग्रुप है तेकर मन के माध्यम से काम करे थे करीब 50,000 महिला मन ये में काम करे थे और बढ़िया रोजगार प्राप्त करे थे, ये लग बढ़ाए की बहुत जरूरत है। दूसरा युवा मन बर भी जिन हमन अभी जो सरकारी जितका वैकेंसी है तेमन ला भरे कोशिश करत हैं और रोजगार के नए नए अवसर हमन शुरू करबो तेकर लाभ जरूर मिले। जैसे प्रोफेसर मन असिस्टेंट प्रोफेसर मन के भर्ती है वह काम हम शुरू करें तो ये प्रकार सरकारी नौकरी भी और साथ साथ रोजगार भी। ठीक एक छोटा सवाल है शिक्षा और स्वास्थ्य ये दोनों जिन राष्ट्रीय औसत की तुलना में छत्तीसगढ़ थोड़ा पिछड़ा माने जाते हैं शिक्षा यहाँ के राष्ट्रीय औसत से यहाँ की गुणवत्ता जिन शिक्षा के है वो इसमें स्वास्थ्य के है आदिवासी बहुल हो के कारण बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहे शिक्षा हो स्वास्थ्य हो उच्च शिक्षा में जरूर है जिन स्कूली शिक्षा है ओमा काफ़ी सुधार की जरूरत महसूस होते हैं ये दोनों लेके शिक्षा स्वास्थ्य लेके आपके जिन चिंता है तेकर से मैं सहमत हूँ, इसमें बहुत काम करे का आवश्यकता है बहुत गुंजाइश भी है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में भी और शिक्षा के क्षेत्र में, और निरंतर हमर मन के ओमे समीक्षा भी चलत है और हमर मन के ध्यान में आवे। और ये दो चीज है जे में काम करबो तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के तस्वीर बदल ही। काफी टाइम हो गया, बस जात जात एक सवाल थके हो आप काफी यार। और बस एक आखिरी सवाल, सब जन अगोरत है कि दाऊ जी ले एक साल हो गए, अब बहुत जन कार्यकर्ता आस लगाए बैठे हैं कि निगम मंडल हम रोज इस नियुक्ति टाइम के, तो कब कब हुई होकर बारे बहुत जल्दी हो, बहुत जल्दी हुई, बहुत जल्दी मतलब बहुत जल्दी हुई, बहुत जल्दी। अभी नगरी निकाय चुनाव पंचायत चुनाव सिराही होकर बात सब शुरू हो जी धड़ाधड़। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपके, आप समय दे। तो ये रही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जनमन अपन एक साल की उपलब्धि बताई और आने वाला समय में इखर का प्लान है, का योजना है और कैसे गांव से लेके शहर और लैका से लेके सियान तक के विकास बर उखर दिमाग में का चलत है, ये सब बात के ओमन जानकारी दिन। धन्यवाद। मैं भूपेश बघेल